अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग बनाने लगे हैं डुस्कन चिकन, और आज मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी बताऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट पीस। केटल के अंदर पानी गर्म करके तो हम लोगों ने इसको एक बॉल के अंदर रख देना है गर्म करने के लिए, मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा, ताकि हमारा ये चिकन जो है सॉफ्ट हो जाए जब तक हम लोगों ने पास्ता बॉइल करना है। तो पास्ता के लिए पानी रख लेते हैं। तो फिर पानी गर्म हो चुका है हमारा, अब हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे। उससे पहले हम लोग इसके अंदर थोड़ा नॉर्मल पानी डालेंगे। आप लोगों ने अगर रमजान में या ईद पे या किसी की भी बर्थडे पर ये बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके लिए हम लोगों को पालक चाहिए होती है और चीज़ चाहिए होती है, मोज़रेला और चेडर, और साथ में जो स्पाइसेस होती हैं वो सब। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। तो भैया, अब हम लोग दो लार्ज साइज एल्बो शेप मैक्रोनीज़ के पैकेट ले लेंगे, कॉर्नफ्लोर के आप लोग कोई से भी ले सकते हैं। और उसके बाद पास्ता का पानी गर्म करने के लिए रखेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। हम लोगों ने इतना पानी ले लेना है पतीले के अंदर पानी, और उसके अंदर 2 टेबल स्पून हम लोग एक जो टेबल स्पून और टी स्पून दो नमक के डालना है। नमक और फ्लेम जो है वो हमें हाई चाहिए, तो अभी मैंने लो रखा हुआ। इसके बाद हम लोग डाल देंगे ऑयल 1 टेबल स्पून, तक पानी गर्म होता है तब तक हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई। तो फिर उस दौरान मैंने बीच में कुछ करना भी नहीं होता है। खैर, आप लोगों को कोई चीज़ दिखा देते हैं बीच में जो हम लोग करेंगे टाइम फ्री में। तो भाई, मैंने अब ये गेम डिलीट कर दिया क्योंकि मुझसे तो लेवल कंप्लीट नहीं हो रहा था, मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने मेरी गेम देख ली होगी, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही अड़ी हुई है। मैं इसको तब से करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं हो रही। खैर, अब पानी हमारा बॉयल होने ही वाला है तो हम इसके अंदर पास्ता डाल देते हैं ताकि वो भी साथ में इसकी हो जाए सॉफ्ट। तो फिर डालते हैं। चलो खुल गए, डाल रही हूँ। अब हम फ्लेम हाई कर लेते लो कर लेते हैं। अब हम पास्ता डाल देते हैं। अब काटते हैं इसको क्यूब्स के अंदर। मैंने पहले कभी नहीं काटा, सही बताऊँ तो चिकन तो आज फर्स्ट टाइम मैं काट रही हूँ, तो देखते हैं कैसा कटता है। इतना भी नहीं पता कि कितने काटते हैं, छोड़िए तेज में दूसरी चेंज करके आते हैं। अब शायद छोड़ी तेज़ हो ये वाली, क्योंकि मैंने तेज़ की भी और भी शायद पहले से भी तेज़ थी। तो अल्लाह अच्छा, खैर बाकी देखते हैं। चलें, अब हम इसको सारा क्यूब में काट लेंगे, तो फिर हम इसकी बताएंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डालना है, सॉसेज वगैरह और जो स्पाइसेस है सारी वो, और उसके बाद फिर इसकी रेसिपी आएगी। तब तक हम लोग चिकन अपना काट लेते हैं। तो हमने इतना क्यूब्स में काट लिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है चिकन को क्यूब्स में काटना। तो मेरा फर्स्ट टाइम था काटना, तभी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब ये देखें आराम से कट रहा है। तो अब ईद भी सर पर है, मतलब परसों ईद है, तो आप लोगों को हम अपनी ईद की चीज़ें भी दिखाएंगे कि वो क्या क्या हैं। तो फिर आप लोगों को वो वाला व्लॉग मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, आज ही बनाऊंगी, लेकिन अपलोड मैं जाने कल परसों करूंगी, ताकि आप लोगों को बाद में
थोड़ी सी हो के क्या वीडियो आने वाली है। तो जो ईद के ड्रेसेस की वीडियो है वो मैं आप लोगों को परसों दिखाऊंगी, ईद वाले दिन अपलोड करूंगी। ब्रेस्ट पीस थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो भाई अब हम लोगों ने इसको इस बॉल के अंदर शिफ्ट करते हैं ना सारे चिकन को, ताकि मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। इतने घंटों से लगी हुई हूँ मैं चिकन को करने के लिए, मतलब 15 मिनट हो ही गए और अभी भी मेरा ये वाला पीस पड़ा हुआ है। हाँ तो अब इसको कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम जो है वो निकल रहा है। हम इसको ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद हमने इसको क्यूब में कर देना। मैंने आपको पहले भी बताया था हमने इसको बेक करना है, तो बेक करना है इसीलिए हम इसको पीस छोटे करेंगे, लेकिन हम इसको पहले कुक करेंगे फिर इसको बेक करेंगे। उसका सारा डिश जैसे लज़ानिया का मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना वीडियो, लज़ानिया बनाया था उसके अंदर भी चिकन को पहले हम लोगों ने कीमा किया था, और कीमा बनाने के बाद हम लोगों ने जब सारी उसकी वो लगा दिए थे, सारा डिश पूरी बनाई थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने लेयर्स हम लोगों ने लगाई थी चिकन की। तो वैसे ही अब हम लोगों ने इसमें भी चिकन की चिकन पूरा बना के पहले पास्ता के अंदर इसका सारा पका कर उसका चिकन को सॉसेस के अंदर, फिर हम लोगों ने इसको मिक्स करना है पास्ता के अंदर, और फिर एक सॉस बनाएंगे हम लोग। या पता नहीं सॉस बनानी है कि उसको चीज़, पहले हम लोगों ने पास्ता की लेयर लगानी है, फिर चीज़ की लेयर, फिर पास्ता की, फिर चीज़ की, और इसी तरह करके ना सारा हम लोगों ने कर देना, और फिर ये बेक हो जाएगा। और इसके अंदर हम लोगों ने पालक भी रखी है, पालक हम लोगों ने पता नहीं कितनी रखी है वो आपको बताएंगी, और फिर हम लोगों ने इसको बस कर देना। अब हमारा चिकन भी हो गया ऑलमोस्ट सारा, बस ऑलमोस्ट डन है हमारा, ये हो गया। तो अब हम इसको इसके बॉल के अंदर शिफ्ट कर देंगे सारे को। प्याज में ऑयल है बस, दो प्याज हैं शापी, दो प्याज डालने हैं और बीच में ऑयल डालना है। अब इनको मिक्स करना है, लहसुन एक टेबल स्पून, अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, प्याज ने रुला दिए। अच्छा अब हम लोगों ने इसके अंदर चिकन डाल के सारा जो बनाया था उसके अंदर मिक्स कर देना है, और अब हम लोग चीज़ करने लगे हैं। ये पालक है। अच्छा भाई अब हम लोग चीज़ को हम लोग करने लगे हैं, सादा चेडर चीज़ करेंगे, मोज़रेला शायद हमें नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी मेल्ट हुई हुई है, ज़्यादा मेल्ट नहीं हुई है। अब हम लोग इसको, अच्छा चलो डालो, अब हम नमक डालने लगे। नहीं मामा वन एंड अ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, व्हाट अ व्यू, गरम मसाला वन टी स्पून, रोज आपने इसके अंदर रोजमेरी भी डालना है, अगर आपके पास थाइम भी है तो आप लोगों ने वो भी डाल लेना है, चिली फ्लेक्स। चीज़ काट के दिखा दें आपको, बहुत ही पास से के बीच में टमाटर डाल दिए हम लोगों ने, टमाटर अच्छा चीज़ की हालत बहुत ख़राब हो गई है, इस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई थी इसीलिए अब हम इसको यूं ही चॉप कर देंगे। ओ बस एक टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, वन टेबल स्पून काफ़ी बन गया, अब ये
इधर पालक डाल देगी जो हम लोगों ने काटी थी। इसकी ऐसी मज़ेदार सी शक्ल बन गई है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना मज़े का लग रहा है, ये देखें। तो अब हमने बस इसको ना लेयर्स लगा के, तो बस हम लोगों ने इसको अब बेक करने के लिए रख देना। अब हमने इसको पास्ता डाल के इसको मिक्स कर देना है सारा जो हमने बनाया था चिकन का। तो भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा थैंक्स।